नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टोमानी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 मई सन 2022, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कमोडिटी बाज़ार में होने वाली हलचल, नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना बनेगी और शेयर मार्केट में क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, शानदार रह सकता है, मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यह है वायु तत्व की राशियां, आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी पूर्वक कार्य करें, बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार पुनः विचार कर लें। 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं, 3 से 4 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये थी राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जीरा एवं धनिया प्रमुख मसालों में आते हैं और पिछले लगातार हम 3 महीने से आपको जीरे एवं धनिया के ऊपर फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से इसमें तेज़ी की बात कर रहे हैं, जो सत्य साबित हो रही है। आज भी जीरा एवं धनिया पर आप नज़र रखें, संभवतः तेज़ी की संभावना बन सकती है। गवार सीड यानी में भी बहुत लंबी उतार चढ़ाव चल रहा है, इसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है, आज सकारात्मक रूप की संभावनाएं बन सकती हैं। ये था कृषि जिंसों पर आज की होने वाली हलचल। अब हम चर्चा करेंगे शेयर बाज़ार पर। भारतीय स्टॉक मार्केट तेज वॉलीटिलिटी के फेज में है, आपको सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपको मुनाफा दिला सकते हैं, बशर्ते इस पर आप ध्यान से नज़र रखें। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, पावर ट्रांसपोर्टेशन में नज़र रखिए, इसके अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती है। इसके अतिरिक्त अडानी पावर के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है, इसमें भी तेज़ी की संभावना है। ONGC हमारा दूसरा तीसरा स्टॉक होगा जिस पर नज़र रखनी उचित रहेगी। गौरतलब है हमने आपको कोयला और पावर संकट के ऊपर लगातार अपडेट दिए हैं, जो कि सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना है। पिछले लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बुलियन और मेटल्स के अंदर ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अब निचले स्तर के ऊपर कॉपर के अंदर कभी भी खरीदारी लौट सकती है, आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ये था शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, एग्रो कमोडिटीज़ पर आज का अपडेट। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।